दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए BLLB थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2021-22 के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। दोस्तों सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। दोस्तों पेपर 60 नंबर का पूछा जाता है जिसमें आपको 5 ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं दो दो नंबर के, और दोस्तों 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको 5-5 नंबर के, और 20 नंबर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, और 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको 5-5 नंबर के, तो 30 नंबर आपको यहाँ पर और 10 ऑब्जेक्ट बराबर 60 नंबर हो जाते हैं, और आपका पेपर भी 60 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। पहला पूछा गया था सही उत्तर का चयन कीजिए। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध नमक यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया? साबरमती, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, दूसरा, निम्न में से कौन राष्ट्र शक्ति का आवश्यक तत्व नहीं है? दोस्तों इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, विचारधाराएं। इसके बाद अगला पूछा गया था, तीसरा, निम्न में से कौन सा सिद्धांत पंचशील में शामिल नहीं है? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पारस्परिक आर्थिक सहयोग। इसके बाद अगला पूछा गया था, चौथा, निम्न में से क्या आधुनिक राज्य की विशेषता नहीं है? इसका बी ऑप्शन सही है, भूभाग। इसके बाद पांचवा पूछा गया था, गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन समाप्ति के पीछे प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है, चोरी चोरा कांड। इसके बाद अगला पूछा गया था लघु उत्तरीय प्रश्न। 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 5-5 नंबर के। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टिकोण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में दार्शनिक दृष्टिकोण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अगला पूछा गया था, चौथा क्वेश्चन, आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली के विकास को समझाइए। इसके बाद पांचवा पूछा गया था, 9 राष्ट्रवाद की विशेषताएं बताइए। इसके बाद छठवा पूछा गया था, कूटनीति के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? इसके बाद दोस्तों सातवां क्वेश्चन पूछा गया था, शक्ति संतुलन के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 5-5 नंबर के। आठवां क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में सौदेबाजी के सिद्धांत का क्या महत्व है? नौवां पूछा गया था, आधुनिक राष्ट्र राज्य पद्धति से आप क्या समझते हैं? इसके बाद दसवां पूछा गया था, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? ग्यारहवां, राष्ट्रीय शक्ति को परिभाषित कीजिए। बारहवां, विदेश नीति के उद्देश्य बताइए। इसके बाद तेरहवां पूछा गया था, कूट नीति की प्रगति एवं भूमिका से आप क्या समझते हैं? इसके बाद चौदहवां क्वेश्चन पूछा गया था, विचारधारा की परिभाषा एवं अर्थ बताइए। पंद्रहवां, शक्ति संतुलन के सिद्धांत से आपका क्या आशय है? इसके बाद सोलहवां क्वेश्चन पूछा गया था, कूटनीति के सीमाओं की व्याख्या कीजिए। दोस्तों यही 16 क्वेश्चन BLLB थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों आने वाले समय में जब भी आपका एग्जाम होगा BLLB थर्ड सेमेस्टर का,
इन 16 क्वेश्चन में से कम 6 या 7 क्वेश्चन दोस्तों रिपीट किए जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करता है जो महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को प्रत्येक स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए, आप अपने हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जो बच्चे LLB कर रहे हैं। और दोस्तों आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।